Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पिछले एक महीने से जम्मू रीजन में आतंकी गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। आतंकी जम्मू रीजन में बड़े हमले को अंजाम देने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसे में उनकी हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए सुरक्षा बलों ने भी कई अभियान चलाए हैं। कई आतंकियों को मौत के घाट भी उतारा गया है। अभी भी तलाशी अभियान जारी है और ऐसे में जानकारी मिली है कि जम्मू में ग्रेटर कैलाश के पास सूखी नहर में कैंप ड्रेस में पहने तीन लोगों को कथित तौर पर AK-47 जैसे हथियारों के साथ देखा गया है। इसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। हालांकि मौके पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन इलाके में तैनाती बढ़ा दी गई है। बता दें, बीते कुछ दिनों में सीमा पर काफी घुसपैठ की कोशिश की गई, मगर जवानों ने इन सारे घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पाकिस्तान इसके साथ ही साथ लगातार ड्रग्स और नशीली दवाओं की तस्करी की कोशिश भी कर रहा है और ऐसे में आतंकी फंडिंग में शामिल पुलिस कर्मियों समेत 6 सरकारी अधिकारियों को भी बर्खास्त किया गया है। बर्खास्त हुए सरकारी कर्मचारियों में 5 पुलिस कर्मी और 1 टीचर शामिल है। जम्मू कश्मीर सरकार के सूत्रों के अनुसार कड़ी जाँच के बाद ये सामने आया कि ये सरकारी कर्मचारी पाकिस्तान ISI द्वारा संचालित नार्को आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा थे और ये लोग भारत की जमीन पर आतंकी संगठन के लिए काम कर रहे थे। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर में नशीले पदार्थों की तस्करी और उसके प्रसार करने के लिए पाकिस्तान के मंसूबों को विफल करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। साथ ही साथ कई नार्को डीलर की करोड़ों की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। दूसरी ओर आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए उनके लोकल सपोर्ट को भी सुरक्षा बल लगातार खत्म कर रहे हैं। कई आतंकी मददगारों को भी हिरासत में लिया जा चुका है। इससे पहले 30 जुलाई को भी भारतीय सेना ने पुंछ जिले से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को गिरफ्तार किया था। आतंकी की पहचान मोहम्मद खलील के रूप में हुई थी। राष्ट्रीय राइफल्स की रोमियो फोर्स को आतंकी मोहम्मद खलील के पुंछ के मंगनार गांव में छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाकर उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब देखा जाए तो सुरक्षा बल पाकिस्तानी आतंकियों की कमर तो तोड़ ही रहे, साथ ही साथ ISI के बनाए ड्रग नेटवर्क पर भी प्रहार किया जा चुका है और किसी भी तरह से आतंकवाद से जुड़े रहने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से आतंकवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।